नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ गाजीपुर बॉर्डर के पास और जब मैं मंच के पास जा रहा था तभी ट्रैक्टर पर ये दादी आती हुई दिखी, ट्रैक्टर ड्राइव करती हुई, और इनके ट्रैक्टर के पीछे 6-7 ट्रैक्टर दिखे मुझे। तो मेरी जिज्ञासा हुई ये कौन है। युवा महिलाओं को ट्रैक्टर चलाते हुए तो मैंने बहुत देखा इस बीच, किसान आंदोलन के बीच, अलग अलग बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर पर, लेकिन यहाँ पहली बार मैंने देखा एक बुजुर्ग महिला जो दादी हैं वो ट्रैक्टर चला रही हैं। बहुत सारे लोग इस पर सवार हैं, पीछे ट्रॉली भी है। तो क्यों आई हैं, कहाँ आई हैं, इन्हीं से जरा पूछते और समझते हैं। और जाना इन्हें गाजीपुर से, कहाँ जाना है आपको? मुरादनगर जाना है जी। मुरादनगर जाना है, तो ये सड़क जाएगी शायद मुरादनगर। हाँ जी। तो अब आप बताइए अपने बारे में, क्या नाम है? राम कुमारी रोहटो जी। तो आप यहाँ क्यों आई हैं और ट्रैक्टर आप पहली बार चला रही हैं, चलाती हैं? ट्रैक्टर चलाता तो मैंने 25-30 साल होगी। 25-30 साल से ट्रैक्टर चला? हाँ, खेती करते हो। ट्रैक्टर चलाते हुए आप यहाँ क्यों आई हैं? और नू आई जी, रैली हो रही किसानों की, और मैंने कहा धरने पर राशन पानी तो भेजना ही है जब बच्चे हैं यहाँ। भाई हमारे बच्चे तो आए हुए हैं यहाँ धरने पर, टिकैत जी के धरने पर तो किसान आ रहे हैं, उनके खाने पीने का अडंगा भी तो चाहिए, तो इसलिए हम खाने पीने का अडंगा लेकर आए। 2-3 दफ़े आ लिए, तीसरे दिन आऊँ मैं तो तभी ना मिले मैंने यहाँ। तो आप इस ट्रैक्टर से सामान लेके आए, खाने पीने का लंगर? बिल्कुल बिल्कुल। राशन पानी? बिल्कुल, पीछे रखा सामान। कितने ट्रैक्टर से आया है? हमारे ट्रैक्टर कुछ चले गए, 8-7 ट्रैक्टर हैं यहाँ और चले गए। तो ये जो राशन पानी सामान है ये कैसे आया, गांव से इकट्ठा हुआ क्या हुआ? हम लोग सब इकट्ठा करते हैं यार, हम धन पैदा करते हैं तो हम राशन नहीं करेंगे? जब हमारा अनाज है हम तो कितना ही खाओ और कितना ही खाओ। तो आपके घर में और कौन लोग हैं? हमारे घर में 2 बहुएँ हैं, 2 बेटे हैं, 2 पोते हैं, 2 पोती हैं और मैं हूँ। 2 बेटे, 2 पोते, बहू है, फुल परिवार है। तो आपके बेटे पोते ये सब लोग भी आए हैं यहाँ गाजीपुर? वे सब हो गए जी, आते रहो। तीसरे दिन वे अपनी गाड़ी वाड़ी से आवे, मैंने ट्रैक्टर से है लगाओ तो ट्रैक्टर ले आऊँ। अच्छा, आपकी कितनी उम्र है? मेरी उम्र 80 के करीब है जी। 80 के करीब उम्र है, ट्रैक्टर चला रही हैं, हौसला आप देखिए। अब ये बताइए आप कितनी बार यहाँ आई है? मैं तो जी कम से कम 5-6 बार आ ली, ज़्यादा ही आ ली। तो आके यहाँ क्या करती हैं आप, ये जरा बताइए, जरा समझेंगे आपके बारे में। हम 4-5 दफे तो खाने का अड़ंगा ले, खाना लाते हैं अपने यहाँ से, गांव से। हमारा गांव यहाँ से 30 किलोमीटर खुली है, जो जिस चीज़ ने कह दे बच्चे सब ले आए उनको। यहाँ से 30 किलोमीटर इनका गांव है और 30 किलोमीटर ऐसे ट्रैक्टर चला कर आई है। तो पीछे जो ट्रैक्टर में सामान आप लाई, क्या क्या आप लोग गाँव से? हम आ तो वो लाए बिरयानी, उसकी शुद्ध देसी बिरयानी, मीट की बात नहीं करते हम वैसी, लेकिन कभी पूरी, कभी चावल छोले, कभी पूरी सब्जी ऐसा ले आवे। आपको पता है बिरयानी को लेकर बड़ा सवाल उठ जाता है कि किसान बिरयानी ना खाते हम, वो बिरयानी ना खाते हम वैसी बिरयानी खाते हैं, शाकाहारी। अच्छा ये बताइए, चूँकि आप कह रही हैं आप खाने पीने का सामान लेके आई हैं, आंदोलन के 71 दिन हो गए, सरकार तो मान नहीं रही है? मान जाएगी। अब ये जो ट्रैक्टर ये सब आप लोग के साथ है? ये देखिए, ये जो ट्रैक्टर है जो आगे अभी क्रॉस किया, सब हमारी गैल है, सब हमारी है। तो सरकार तो मान नहीं रही है? मान जाएगी, सब मान जाएगी। कैसे मान जाएगी, अब तक तो मान ही नहीं। मान लेगी सब, ये वो मोदी भी ऐसा हो रहा, हम जाट भी हटिल्ले हो रहे, मान जाएगी, सब मान जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। ये ट्रैक्टर अब है, जरा दिखाइए जो ट्रैक्टर गाँव से आए हैं, सब हमारे गाँव से। एक चीज़ बताइए, एक सेकंड, एक चीज़ बताइए माता जी, मैं आपको कहूँगा, एक चीज़ बताइए माता जी कि क्या ऐसा हुआ कि 28 तारीख के बाद, टिकैत के आंसू के बाद, या उस दिन जो कुछ पुलिस ने जिस तरह से घेरेबंदी की, लगा गिरफ्तारी होगी, लगा आंदोलन ख़त्म होगा, उसके बाद लोग ज़्यादा आने लगे यहाँ? वजह है जी, जैसा लाल किले पर झंडा फहराया उस आदमी ने, अगर फुल फोर्स होती, जितनी फोर्स मोदी जी ने आप लगा रखी, अगर यही फोर्स जब होती तो ताकत ही नहीं थी, कोई लाल किले में बढ़ जाता, कमी तो अपनी, दूसरों को नाम बदनाम कर रहे। और चलो एक आदमी ने कर दिया तो सब पे कोई दंड थोड़ा है? बताओ सब पे क्या दंड है, क्यों करा इन्होंने पहले ही इंजाम करते गए। रही बात यार, जोन से मोदी साहब, जोन से उसने झंडे ने, आप कह रहे गुरुद्वारे में मोदी साहब मैंने देखे उस झंडे को बांधते है उस निशान को, अरे किसी ने बांध दिया, बेकूफपना कर दिया, तो पहला तो ना तारा, पहला तो उस पर लग रहा है क्यों जी,
पहला झंडा तो भाई लग रहा है, दूसरा तार तार के फेंक दी, इसमें प्रोपगंडा करने की क्या जरूरत थी? क्या तो माता जी का भी यही सवाल है कि लाल किले में लोग दाखिल कैसे हुए, और ये सवाल तो है। तो ये बताइए कि जैसे आंदोलन तो 71 दिनों से चल रहा है, लेकिन जिस दिन टिकैत के आंसू निकले 28 तारीख, पुलिस की यहाँ ज़बरदस्त तैनाती थी, लगा सब ख़त्म होने वाला है, गिरफ्तारी होने वाली है, बहुत लोग जा चुके थे, लंगर ख़त्म हो चुके थे, उस दिन से ऐसा हुआ कि आप लोगों को भी लगा कि अब ज़्यादा जाना चाहिए, यूपी से लोग ज़्यादा आने लगे? ऐसा जी, जब टिकैत साहब के आँख में आंसू निकली ना टिकैत साहब के, तो सबको दर्द हुआ। हम भी रात को देख रहे थे, सब हो गए बेचैन, सबको दुख हुआ। आंसू एक ऐसी चीज़ है, आदमी को या तो ज़्यादा खुशी में आती है या ज़्यादा दुख में, तो दुख मानना है ना, तो आंसू आ गई। और जब ये हमारे यहाँ बालक नन्हे यहाँ बैठे है, इन्होंने आंसू देखे, तो फिर हमारे पे ना रुका, क्या हम भी चले आए। अच्छा, जैसे सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर महिलाएं बहुत आती हैं, वहाँ बहुत महिलाएं ट्रैक्टर पर आती हैं, लेकिन यहाँ महिलाएं कम आती हैं, इसकी कोई वजह? ये यूपी के जो जाट है ना, ये बड़े मर्द है वैसे, वैसे तो लगेंगे तन्मे सुक्के फटके से पंजाबियों की ढाल मिले ना, लेकिन इनके इरादे बहुत तकड़े हैं, तो इसलिए नु कह दे, हम भी नु कह दे, तुम जाओ खेती बाड़ी हम आप संगवा लेंगे। अब लेकिन आती है महिला भी आती है, कम आती है, कोई ज़रूरत ना, हम तो एक ही भतेरी इतने में। तो आप जब तक टिकैत इकलाई सारी दुनिया ने भारी बन रहा, तो हम ज़्यादा के करेंगे थोड़ी बहुत है। तो आप जितने आप गाँव में भी जैसे ट्रैक्टर चलाते हो? बिल्कुल चलाती हूँ जी, दिल से। तो आपके परिवार में किस चीज़ की खेती होती है? हमारे परिवार में गन्ने की, गेहूँ की, धान की, सब चीज़ की होती है थोड़ी थोड़ी, लेकिन हमारे यहाँ गाय वाय जो है वे परेशान करती है, खेती सब होती है। ये बताओ कि आंदोलन 71 दिन हो गए, और पता नहीं कब तक चलेगा, कब तक चलाना पड़ेगा, सरकार कब तक मानेगी नहीं मानेगी? कभी तो मानेगी सरकार, जब लो ना मानेगी, जब लो चलता ही रहेगा। और जो 4 साल में उतरेगी तो 4 साल ही चलेगा। फिर आप लोग ये बताओ, वोट किसको दिया था? वोट तो हम तो दे के पछता रहे, वोट दी कोई दे दी थी हमने तो वोट? वोट दिया था ना, लोग कहते हैं योगी मोदी को ही सब, हमने ये पता थोड़ा किसको दिया, योगी मोदी दोनों को? हाँ, इनको दोनों को दिया, और ये बड़ी गड़बड़ होगी, चलो वोट दे दी, सही काम करेंगे, लेकिन सारे चलो काम मोदी ने सब बढ़िया करे हम मानते हैं, लेकिन हमारे जाटों के लिए, किसानों के लिए जो करा वो गलत कर दिया, उसको ये वापिस ले लो, अगली अब भी वोट दे देंगे हम तो ऐसे आदमी। किसान तो बहुत नरम आदमी है, ये तो अन्नदाता है, जब हम सबको अन्न खुआते हैं अपना पैदा कराया हुआ। अच्छा ये बताओ, और अगर नहीं कानून वापस हुआ तो? अरे कभी ना कभी होगा कानून तो होगा, ये तो करना पड़ेगा इन्हें। चलिए, तो ये माता जी थी मुरादनगर की रहने वाली हैं, करीब 80 साल इनकी उम्र है। लंबर देखे हैं, लंबर तो रहा है, लंबर मैं देता हूँ आपको, और ये ट्रैक्टर चला रही है इनके साथ, ये जो 6-7 ट्रैक्टर है इनके पीछे पीछे आ रहा है, यहाँ से करीब 30 किलोमीटर जाना है, और ये ट्रैक्टर जो ट्रॉली है इस पर ये खाने पीने का सामान लेकर आए थे, ये सब यहाँ खाने का सामान, चावल और जो भी बिरयानी है ये उतार कर गाँव में बना, ये सर? हाँ जी, गाँव में लिया मैंने, गाँव में बना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो गाँव में ये बनता है, और ये सिलसिला अगर कहें तो 28 तारीख के बाद यूपी की तरफ से ज़्यादा शुरू हुआ है। पहले ये सिलसिला सिख और सरदार के लंगर में होता था, खाना बनता था, लेकिन अब ये सब लोग, आप लोग कहाँ से आए हो? सब मुरादनगर? डिनार, मुरादनगर, मुरादनगर। वोट किसको दिया था आप लोगों ने? बीजेपी को, मोदी को। आपकी भी दे हो गया, बीजेपी को वोट दिया था, तो फिर बीजेपी पे हमारी बात सुनो, मोदी हमारी बात मानने का और माननी पड़ेगी, और समस्या का हर हल बातचीत तो होगा, और बातचीत किसान करेंगे सरकार तर, मोदी तो हाथ जोड़ के अपनी प्रार्थना धरेंगे, और मोदी जब मानेगा हम अपना काम बात हो। सब लोग मतलब मोदी के वोटर हो? हाँ, मोदी, योगी मोदी दोनों के, योगी मोदी के वोटर हो, और उसके बाद आज कह रहे हो भरोसा नहीं है, आप सब लोग योगी मोदी के वोटर हो? वोट किसको दिया था? वोट किसको दिया था? दिया योगी को, पर योगी तो बेकार निकला, अब तो और किसको देंगे? तो ये अगर ये बताओ आप लोगों को, आप लोगों ने वोट किसको दिया था? हमने मोदी को, ऊपर देखा फंसता रहे हैं। हाँ जी, कहाँ के हो आप? आगे भी देख लेना, हम मुरादनगर के पास में गांव ढिंडारा हमारा। ये जनसंघ, जनसंघ थे, जनसंघी
बनियों की पार्टी थी कार्य जनसंघी है, जनसंघी है आप कौन? हम नहीं, हम ना, हम मोदी, मोदी मोदी को वोट दिया ना? हाँ आपने दिया, हमने और प्यार से दिया। आगे नहीं देंगे, नहीं देंगे जी। मोदी जी कह रहे हैं कि आपने वोट दिया तो उनपे भरोसा करिए, वो आप लोगों के फायदे का भरोसा फसेला कर लिया जी। भरोसा काहे का करे जब खुटे काट दिए लोहे के, दिल्ली में नहीं जाने दे रहा, किस लिए? हाँ क्या करेगा? हाँ मोदी 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 काहे का मोदी? कई गन्नों को पेमेंट करवा देंगे, अभी तक पेमेंट ना हुआ पिछले साल का। तो ये सब दरअसल मोदी और योगी के वोटर हैं, इसलिए मैं, मेरा मकसद ये था कि समझिए आप लोग कहाँ से हो, मुरादनगर के ही हो, तो आप लोग किसको वोट दिया था चुनाव में? मोदी को। आप मोदी को? अब हर बार थोड़ी देंगे हम, अब क्या नहीं देंगे हम? जो गलती होगी होगी, अब नहीं करने की गलती हम दोबारा। आप भरोसा करो योगी जी मोदी जी पर, वो करे कानून आपके। और कितना भरोसा करें हम इस पे? तेरा भरोसा कर लिया? भरोसा नहीं है। देख ना रहे हो क्या हो रहा है? हमारी हो रही है, हो रहा है। अरे मतलब यहाँ हमारे जवान भी और हम भी मिटर लग रहे हैं, क्या हो रहा है? और लेकिन सरकार तो कह रही है, आप समझो जरा, समझोगे दो साल मौका दोगे? बहुत पराली कर 1200 मीटर की ताल होगी थी उनके सपोर्ट में। हमारा पराली का और 1200 मीटर का इसकी ताल होगी थी, और वो अब भी लगा रहे हैं। बताओ इससे और क्या कर रहे हैं? जो कोरलुबा फुकरिया पत्ती में पैसे दे रहे हैं उन पर। चलिए चलिए आप लोग जाइए, समझ गया। तो आप लोग पहली बार आ रहे हो, उसके 28 के बाद आना शुरू किए, उसके पहले भी आप लोग आ रहे थे? रोज आ रहे हैं। अच्छा, तो आप लोग वहाँ से खाने का सामान लेके आए? खाने का लेके आए, खाने का लेके आए। आपने भी मोदी जी को वोट दिया था? आप मोदी को वोट दे दिया जब जो खैनिया मर गई, 2 महीने से जब जो यहाँ बैठे हैं। हाँ मोदी जी पर भरोसा करो। मोदी जी पे तो करकरा लिया, आपका 24 में मोदी जी की मामला खराब है। तेरा भरोसा कर लिया। चलिए, तो ये वो लोग थे जो परंपरागत तौर पर इस सेंस में कि तीन चुनाव की बात करें, 2014, 2019 और 2017 यूपी चुनाव, ये जाटलैंड के लोग हैं जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया। और 2014 के बाद, 2019 के पहले, 2017 के पहले वहाँ तनातनी की बहुत सारी खबरें आई हैं। मुजफ्फरनगर में क्या हुआ, आसपास के इलाकों में क्या हुआ, आपको पता होगा। डिवीज़न बांटने की कोशिशें भी हुई, कई तरह की सियासतें भी हुई 2014 में, ख़ास तौर पर मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाकों में। लेकिन मैं वही बार बार चिन्हित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि 28 तारीख के पहले पश्चिमी यूपी के जाटों की नुमाइंदगी उतनी नहीं थी जितनी अभी है, कई गुना ज़्यादा, और यही हरियाणा में भी है। तो ये नुमाइंदगी क्या किसी तरह की तस्वीर बदलने के संकेत दे रही? तस्वीर बदलने का मतलब नाराज़गी का विस्तार हो रहा है सरकार से, कृषि कानूनों को लेकर ये नाराज़गी कहीं किसी तरह के नई राजनीतिक परिभाषा या नई राजनीति के संकेत दे रहा है, इसको समझने की ज़रूरत है। हालांकि वक्त अभी यूपी चुनाव में अभी 13-14 महीने, क्या होगा पता नहीं, लेकिन लोगों में नाराज़गी है और उसका सबूत है इन लोगों का बयान, इन लोगों से वो बातें जो अभी आपने सुनी। फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों यहीं खत्म करता हूँ। मैं हूँ गाज़ीपुर बॉर्डर के पास, यहाँ से 300-400 मीटर मंच है, ट्रैक्टर से मैं इतना आगे तक चला आया। फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।